राजस्थान में आज सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। होटल फायर माउंट में होने वाली इस बैठक में सचिन पायलट समेत गैर हाजिर रहे विधायकों को भी बुलाने की कोशिश की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि अगर कोई मतभेद है तो बैठक में आकर अपनी बात रखें। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक मानेसर के होटल में ठहरे हैं। कल शाम उन्होंने यहां का एक वीडियो भी शेयर किया। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी से बातचीत और सुलह के फॉर्मूले की खबरों को खारिज किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों के साथ जयपुर के फायर माउंट होटल में ठहरे हुए हैं। विधायकों के साथ डिनर करते हुए गहलोत की तस्वीर और वीडियो भी जारी किया गया। इससे पहले अशोक गहलोत ने राज्य में बहुमत होने का दावा किया था। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के 109 विधायकों के समर्थन के दावे पर भी सवाल खड़े किए। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के पास इतने विधायकों का समर्थन है तो उन्हें होटल्स में क्यों ठहराया गया? राज्यपाल के सामने जाकर विधायकों की गिनती क्यों नहीं करा रहे? राजस्थान सरकार पर आए संकट पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर ही चलेंगे। समान सामना में लिखा है कि ये कदम सचिन पायलट के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की चौथी बार बातचीत होने जा रही है। ये बातचीत भारत की तरफ शुचूल में सुबह 11:30 बजे होने की उम्मीद है। जिन जगहों से दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने पर पिछली बैठक में सहमति बनी थी उसी पर आज होने वाली बैठक में समीक्षा की जाएगी। पैंगोंग झील के पास फिंगर फोर पर दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के मुद्दे पर भी आज की कोर कमांडर स्तर की बैठक में चर्चा होगी। इस इलाके से चीन के सैनिकों के पीछे हटने की पहले भी खबर आई थी। इससे पहले 30 जून को तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट किया कि चीन दक्षिण चीन सागर में दूसरे देशों को डराने और धमकाने का काम कर रहा है। दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को मानने से इनकार कर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ एक बार फिर विवादित बयान दिया। ओली ने कहा कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली है न कि भारतीय। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नेपाल के पीएम के दावे पर कहा है कि श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वालों का अपना अस्तित्व आज खतरे में है। नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान पर भारत के संतों की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा यह नेपाल की संस्कृति को बदलने की कोशिश है। महंत दिनेंद्र दास ने कहा ओली को सत्ता से जाना पड़ेगा। इससे पहले ओली ने कहा था कि भारत उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश कर रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,78,254 हो गई। अच्छी बात यह है कि देश में ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी रेट 63% है। देश में 19 राज्य ऐसे हैं जिनकी रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,19,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए दिल्ली में आज दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया जाएगा। नया प्लाज्मा बैंक लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में बना है। कोरोना संक्रमित मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित हो रही है और अब दूसरे राज्यों में भी इसे अपनाया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 80% हो चुकी है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,246 नए केस। इस दौरान 1,344 लोग स्वस्थ हुए। दिल्ली में कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 3,411 तक पहुंचा। दिल्ली में अभी कोरोना के 19,017 एक्टिव केस हैं। बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 411 नए मामले आए। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 17,421 हो गई। मध्य प्रदेश में इस बार गणेश उत्सव के दौरान पंडाल नहीं लगेंगे। राज्य सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया। मूर्तिकारों से छोटी मूर्ति बनाने की अपील की गई। लोगों को घरों पर ही गणेश पूजा की सलाह दी गई। बकरीद के मौके पर धार्मिक स्थानों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना वायरस पर नियंत्रण करने के लिए 7 दिन के लॉकडाउन की योजना है। इसे हरी झंडी मिली तो लोगों को इसकी सूचना 2 दिन पहले दी जाएगी। खास बात यह है कि इस बार लॉकडाउन के बदले जिला प्रशासन कर्फ्यू का आदेश जारी करेगा। अपने विधायक की संदिग्ध मौत पर बीजेपी ने आज 12 घंटे का पश्चिम बंगाल में बंद बुलाया। बीजेपी मामले की सीबीआई जांच चाहती है। उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव संदिग्ध हालत में एक दुकान के बाहर लटका मिला। देवेंद्र नाथ रॉय हेमताबाद से विधायक थे। विधायक देवेंद्र नाथ रॉय के परिवार ने आरोप लगाया कि विधायक की हत्या के बाद शव लटकाया गया। ममता सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस घटना को ममता बनर्जी सरकार में गुंडा राज का सबूत बताया।
प्रयागराज में यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी के घर के आसपास के मकानों को भगवा रंग में रंगा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई जबरन की जा रही है। विपक्ष ने इसे तानाशाही रवैया बताया। मकान पर जबरन भगवा पुतवाने का मामला दर्ज कराया है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कल दोपहर बाद से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। जानकारों के मुताबिक नदी का पानी और भी बढ़ सकता है क्योंकि जगह जगह लगातार बारिश है। ब्रह्मपुत्र नदी में बढ़ते जलस्तर की वजह से असम में 27 जिलों के 22 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ और बारिश की वजह से यहां पर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां भी उफान पर हैं। कई गांवों में पानी भर चुका है। बिहार के गोपालगंज जिले में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। नेपाल के बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से गंडक नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। इलाके के दर्जनों गांव का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। इलाके में एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया। बिहार के माधेपुर जिले में जेडीयू के विधायक निरंजन कुमार मेहता की गाड़ी दलदल में फंस गई। 4 घंटे की कोशिशों के बाद इनकी गाड़ी को निकाला जा सका। विधायक जी मीडिया के सवालों पर नाराज हो गए और कैमरा बंद करने को कहा। निरंजन मेहता अपने क्षेत्र में पार्टी प्रचार के लिए निकले थे। हैदराबाद में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। शहर के निचले इलाकों में जगह जगह बारिश का पानी बढ़ गया। कल हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के अंदर भी बारिश का पानी घुस गया। अस्पताल में मौजूद मरीजों को परेशानी हुई।